बॉर्डर के पास गांव में मिला मोर्टार बम, इलाके में फैली दहशत। दोस्तों इस तरह की न्यूज तो आप सुनते ही रहते होंगे, पर आखिर ये मोर्टार होता क्या है? क्या ये कोई बम है या फिर तोप का गोला? इसका इस्तेमाल आखिर कहां पर किया जाता है और ये काम कैसे करता है, आइए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में। मोर्टार एक सिंपल और लाइटवेट हथियार है जिसे आसानी से आदमी द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। दोस्तों ये डिजाइन इतना सिंपल होता है कि इसे फायर करने के लिए ट्रिगर की भी जरूरत नहीं होती है, यानी कि इसमें मोर्टार शेल को बस आगे से डालिए और ये अपने आप ही फायर हो जाता है। पर दोस्तों इसके डिजाइन पर मत जाइएगा, क्योंकि जितना ही सिंपल इसका डिजाइन है उतना ही ज्यादा घातक इसका असर है। इसमें आगे की तरफ एक मेटल ट्यूब लगी होती है जो बेस प्लेट पर फिक्स रहती है। इस ट्यूब में से एक्सप्लोसिव शेल्स या ज्यादा स्पष्ट रूप से कहें तो बम फायर किए जाते हैं। इसका बस एक ही काम होता है, छुपे हुए दुश्मन को तबाह कर देना। टैंक्स और बंदूकों से अलग यह अपने टारगेट पर सीधे सीधे निशाना नहीं लगाता है, बल्कि यह मोर्टार शेल को सही एंगल और दिशा में ऊपर हवा में फायर कर देता है और मोर्टार शेल ऊपर से दुश्मन के ठिकाने पर जाकर फट जाता है। आइए पहले हम इसके ढांचे के बारे में समझते हैं। ज्यादातर आधुनिक मोर्टार सिस्टम चार मुख्य कंपोनेंट्स, बैरल, बेस प्लेट, पाइपॉड और साइड से मिलकर बने होते हैं। मोर्टार शेल में ऊपर की तरफ इंपैक्ट फ्यूज लगा होता है, बीच की जगह में एक्सप्लोसिव मटेरियल भरा होता है और नीचे की तरफ प्रोपेलेंट चार्ज होता है और सबसे नीचे डिटोनेटर लगा होता है। डिटोनेटर के ऊपर एक मेटल ट्यूब होती है जिसमें एक्सप्लोसिव होता है। इस ट्यूब में छोटे छोटे छेद बने होते हैं और इस ट्यूब के बाहर प्रोपेलेंट चार्ज लगाए जाते हैं। इन प्रोपेलेंट चार्ज की मात्रा जरूरत के हिसाब से बढ़ाई या घटाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोपेलेंट चार्ज की मात्रा को कम कर दें तो इसकी रेंज भी कम हो जाती है, और अगर प्रोपेलेंट चार्ज की मात्रा बढ़ा दी जाए तो शेल ज्यादा दूरी पर जाकर गिरता है। मोटर को फायर करने के लिए ऑपरेटर मोटर को बैरल में घुसाकर नीचे गिरा देता है। बैरल में नीचे एक फायरिंग पिन होती है जो डिटोनेटर से टकरा जाती है। फायरिंग पिन के झटके से डिटोनेटर सक्रिय हो जाता है और ट्यूब के अंदर वाले चार्ज को जला देता है, और ट्यूब में जो छोटे छोटे होल्स बने होते हैं उसमें से आग बाहर निकलती है और प्रोपेलेंट चार्ज को जला देती है, और एक जोर का धमाका होता है जो शेल को बहुत तेज गति के साथ ट्यूब से बाहर फेंक देता है। बेस प्लेट इस विस्फोट के झटके को जमीन में फैला देती है और वाइब्रेशन को कम करती है, इसलिए बेस प्लेट का जमीन में सही से लगा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। मोर्टार शेल पर एक ऑब्टुरेटिंग रिंग लगी होती है जो जब तक शेल बैरल से बाहर नहीं निकल जाता है तब तक गैस को बाहर निकलने से रोक के रखती है। मोर्टार एक शॉर्ट रेंज हथियार है और इसकी मैक्सिमम मारक क्षमता लगभग 6 किलोमीटर तक की होती है। एक 81 मिलीमीटर का मोर्टार 40 मीटर तक के इलाके को तबाह कर सकता है। मोर्टार शेल के फ्रंट में एक डायल लगा होता है। इस डायल को घुमाने से मोड बदले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, PRX का मतलब है प्रॉक्सिमिटी, और अगर मोर्टार को इस मोड पर सेट कर दिया है तो विस्फोट टारगेट से करीब 30 सेंटीमीटर से 2 मीटर ऊपर हवा में होगा। NSP का मतलब है नियर सरफेस ब्रस्ट, और इस मोड पर सेट करने से विस्फोट तब होगा जब शेल टारगेट से 30 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर होगा। IMP का मतलब है इम्पैक्ट, और इस मोड पर विस्फोट तब होता है जब शेल टारगेट से टकरा जाता है। DLY का मतलब है डिले मोड, और इस केस में विस्फोट टारगेट से टकराने के आधे सेकंड बाद होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप भी इस तरह के 3D एनिमेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो आज ही engineeringtf.com पे जाकर के रजिस्टर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।